कर्नाटक को आखिरकार अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल गया। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार समेत 8 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक खास मौका भी आया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह की इस तस्वीर ने साल 2018 की याद दिला दी। तब कांग्रेस और जेडीएस की संयुक्त सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान इसी तरीके से विपक्ष का जुटान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को विपक्षी एकता पर भरोसा था, हालांकि परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहा था। इस साल भी कुछ ऐसा ही संयोग बना है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस फिर से विपक्षी एकता की दुहाई दे रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस 5 साल पहले वाला हश्र नहीं चाहेगी। पहले जान लीजिए 2018 में आखिर हुआ क्या था। साल 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस ने सरकार बनाई थी। तब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान विपक्ष के दिग्गज नेता इस मंच पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और ममता बनर्जी से लेकर सीताराम येचुरी ने यहां पर गलबहियां की थी। शरद पवार, तेजस्वी यादव और अजीत सिंह भी दिखे थे। खास बात थी कि कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इस विपक्षी एकता के रथ पर सवार होकर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगी। हालांकि चुनाव के परिणाम जब आए तो सीन पूरी तरीके से बदल चुका था। कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी और भाजपा ने एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाई थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने जिस मंशा के साथ विपक्षी नेताओं को जुटाया था उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। साल बदला, क्या बदलेगी कहानी। साल बदलने के बाद कर्नाटक में भी बहुत कुछ बदला और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तस्वीर भी बदली। 2018 के विपरीत इस बार कांग्रेस ने अकेले दम पर कर्नाटक में सत्ता हासिल की है, वो भी काफी अच्छे मार्जिन के साथ। इस बार भी शपथ ग्रहण के मंच पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हुआ। हालांकि मायावती और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे गायब दिखे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस इस बार साल 2019 के जैसा हश्र नहीं चाहेगी। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरा प्रदेश है जहां कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। ऐसे में बदले हुए साल में वो बदले हुए परिणाम की अपेक्षा कर रही होगी। कांग्रेस चाहेगी ज्यादा महत्व। 2019 के बाद से कांग्रेस अपनी ओवरहॉलिंग में जुटी है। चाहे गांधी फैमिली सीतर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज बदलना हो, या फिर कर्नाटक में बिल्कुल ठोस अंदाज में कैंपेनिंग करते हुए बहुमत हासिल करना हो, यही वजह है कि कर्नाटक का चुनाव परिणाम आने के बाद विभिन्न विपक्षी दलों ने कांग्रेस को लेकर अपनी राय बदली है। ममता बनर्जी ने तो पहली बार खुलकर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या बदले हुए साल और बदले हुए हाल में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नई कहानी लिखने में कामयाब हो पाती है या नहीं।